कंप्यूटर के यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं। ठीक है, तो आज क्लास में मैं कुछ क्वेश्चंस करा रही हूँ जो कि आपका चैप्टर क्या है फर्स्ट से है। Dependency.
Blank.
ये सबको समझ आए? नेक्स्ट करें, कंप्यूटर।
फटाफट। घूम फिर के सब वही बातें आती हैं, तो हमें सारी चीजों का क्या है, ख्याल रखना है। हमें कंप्यूटर सिस्टम की कंप्यूटर की डेफिनेशन भी, ठीक है, इनपुट डिवाइस भी हम कर चुके हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी हमने किए थे, ठीक है, हमने आईपीओ मेथड भी किया था। कि आईपीओ मेथड क्या होता है, इनपुट आउटपुट, सॉरी इनपुट प्रोसेस और आउटपुट। आउटपुट यहाँ पे ये क्वेश्चन आए हुए हैं ना, ए जो ये कंप्यूटर है गिव रिजल्ट इन द फॉर्म, ये हमें किस फॉर्म में रिजल्ट को देना है, तो सिंपल आउटपुट। चलो फर्स्ट
Computer can process data as required by the user. तो ये क्यों है? Computer cannot control all operation inside a computer. ये false है. क्योंकि हमारा computer सारे operations को क्या है? Control करता है किसके थ्रू? CU के. Computer can accept data or instruction by way of process. Yes, true. Hardware is now at the brain of the computer. False. ठीक है, क्योंकि जो है हमारा CPU होता है वो होता है कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन, काम करता है जिससे प्रोसेस किया जाता है. आया समझ में? ठीक है, इनको याद करना है. क्या करना है? याद.
मॉनिटर एटसेट्रा।